Today is 1st of April 2020. Let us have a quick discussion of today's newspaper, The Hindu. But before that, these are some important vocabulary words jo hum newspaper mein aaj dekhne wale hain. Pehla, first is about defy. Defy ka meaning hota hai openly resist karna. Evacuation, iska matlab hota hai empty karna, khali karwana. Quasi, quasi means hota hai seemingly, apparently. Jaise India ko bolte hai na, quasi judicial hota hai India. Then जो बॉडीज़ होती हैं सम बॉडीज़ लाइक NHRC इज़ क्वासी जुडिशियल और इंडिया जो है वो क्या है क्वासी फेडरल है. देन कन्फ्रंट, कन्फ्रंट का मीनिंग होता है फेस टू फेस डील करना, कन्फ्रंट करना. मल, मल मीन्स होता है टू थिंक, मलिंग, वी आर मलिंग थिंकिंग अबाउट. टॉप ऑफ द पाइल, टॉप ऑफ द पाइल का मतलब हाई अप होता है. और बॉटम ऑफ द पाइल का मीनिंग होता है बॉटम में. वॉलंटियर, वॉलंटियर मीन होता है अपनी हेल्प ऑफर करना एट विल, खुद के इंटरेस्ट से. देन फ्रेंजीड, फ्रेंजीड का मीनिंग होता है एक्साइटेड, अनकंट्रोलेबल होता है. नम, नम का मीनिंग होता है डिप्राइव ऑफ फीलिंग. देन अर्स्टवाइल होता है फॉर्मर, फॉर्मर अर्स्टवाइल चेयरमैन. देन रीइंफोर्स का मीनिंग होता है स्ट्रेंथन करना. ऑगमेंट का मीनिंग होता है एडिंग अप. स्टिग्मा, स्टिग्मा क्या होता है, सोशल स्टिग्मा होता है ना, स्टिग्मा का मीनिंग होता है शेम और डिसग्रेस. एंड देन फुल थ्रॉटेड का मीनिंग होता है, फुल थ्रॉटेड मीनिंग इज फुल्ली पावर्ड. हमारी स्टडी अब फुल थ्रॉटल्ड कर रहे हैं, फुल थ्रॉटेड है, फुल्ली पावर्ड. ओके, सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड्स. अगेन इफ यू फाइंड एनी अदर इम्पॉर्टेंट वर्ड फील फ्री टू राइट दैट इन कमेंट सेक्शन बिलो अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग. ओके, सो दिस इज 1st of April 2020. फर्स्ट न्यूज़ आइटम है दैट इज़ अबाउट एक्सपोनेंशियल इंक्रीज, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज कोविड-19 केसेज. देन सेकेंड इज़ अबाउट थ्री क्वाजी, क्वाजी सब स्पीशीज ऑफ वायरस इन सर्कुलेशन. ये बात कही है ICMR ने, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च. देन 70 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन. ऑल दो ये एक पेड एडवर्टाइजमेंट है, चाइना के रिप्रेजेंटेटिव ने आज द हिंदू में आया है, बट इसमें बहुत अच्छा इंसाइट दिया है इंडिया चाइना के रिलेशंस एक ग्लांस में कैसे आगे प्रोग्रेस हुए हैं. देन हम इसको काफ़ी अच्छे से देखेंगे. देन नेक्स्ट इज अंडमान एंड निकोबार ट्राइब्स. हम इन एब ओरिजिनल ट्राइब के बारे में जानेंगे, 6 एब ओरिजिनल ट्राइब, यहाँ पे भी कोविड-19 का थ्रेट हो रहा है. देन फिफ्थ इज़ अबाउट प्री मॉनसून क्रॉप कल्टीवेशन येट टू बिगिन. सी मैंने ये देखा है अक्सर हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं खरीफ, राबी और जायद क्रॉप में, और हमें ये कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी क्रॉप खरीफ में है, कौन सी क्रॉप राबी में है, कौन सी क्रॉप जायद में. सो विल गेट टू नो, ये NCERT का है, हम इसके बारे में समझेंगे कि क्रॉप और सीजन में क्या रिलेशन होता है. देन ये एडिटोरियल सेक्शन है स्टेप अप, इसका अगेन लैंग्वेज इज वेरी गुड, वेरी रिफाइंड लैंग्वेज. देन ये है वीकर लेटर, ओलंपिक्स 2021 में हो गए हैं, पोस्टपोन हो गए, इसने बड़े अच्छे से इंसाइट्स दिए हैं और इस एडिटोरियल का भी लैंग्वेज इज एक्सेलेंट. स्पोर्ट्स, ओलंपिक्स, देन ओलंपिक्स की हिस्ट्री, डिले हुआ है तो क्या चैलेंजेस आएंगे, 12 मंथ्स बाद क्या सर्कमस्टेंसेज होने वाले हैं, काफ़ी अच्छा इंसाइट है इस एडिटोरियल में. एट इज़ अबाउट NI ईच ऑन कंटेनमेंट एंड वेलफेयर. ये आर्टिकल लिखा है चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु में. अगेन इन्होंने अपना स्ट्रैटेजी बताया तमिलनाडु में ये कैसे ट्राई कर रहे हैं टू कॉम्बैट दिस कोविड-19. नाइन्थ इज़ अबाउट बियॉन्ड सोशल डिस्टेंसिंग टू फाइट कोविड-19, इसके अलग एस्पेक्ट्स, टेस्टिंग, कोरिया मॉडल एट्सेट्रा. टेंथ इज़ अबाउट सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स राइट टू डिस्कस. ये बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने लिया है कि वी ऑल नीड टू बी रेस्पॉन्सिबल, ये जो विम्सिकल चीज़ें होती हैं वी नीड टू अवॉइड देम. देन 11th में है, ये है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन, इसका कॉम्बिनेशन ड्रग इसके साथ अभी अलाउ किया जाएगा इन सर्टेन केसेस, अगेन क्लिनिकल मैनेजमेंट पे. देन 12th इज़ अबाउट प्रिवेंटिंग स्टिग्मा रिक्वायर्स अ फुल थ्रॉटेड कैंपेन. और 13th है ब्रिक्स फॉल अपार्ट फॉर कंस्ट्रक्शन सेक्टर. अगेन हमारी इकोनॉमी स्लो नहीं हुई है, इकोनॉमी बंद हो गई है फॉर 21 डेज. US क्रूड ऑफ लोज, क्रूड ऑयल का काफ़ी प्राइस कम हो गया है, डबल वैमी है ये. देन अपॉर्चुनिटीज सेक्शन में कॉरपोरेट इंडिया वर्क फ्रॉम होम के बारे में कुछ अच्छे इंसाइट्स यहाँ पे दिए हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड ऑल दीज 15 आर्टिकल्स एंड सम मोर इन नेक्स्ट 25 to 30 मिनट्स. सी आजकल न्यूज़पेपर भी 14-15 पेजेस के हो गए, ज़्यादा न्यूज़ आइटम आ नहीं रहा है बिकॉज कोविड-19 के कारण कंप्लीट लॉकडाउन है. ऑल राइट, सो दिस इज़ द फर्स्ट वन, ये केसेस बता रहा है कि कहाँ पे ये इतने कोविड-19 के केसेस. सी अब केसेस इंक्रीज होंगे, अब
और इंक्रीज होंगे, इनका जो स्पीड है, रेट है, वो इंक्रीज होने वाला है. नंबर ऑफ कोविड 19 केसेस एक्सपोनेंशियल राइज. एक्सपोनेंशियल राइज मीन्स दिस इज एक्सपोनेंशियल राइज. ऑल ऑफ अ सडन राइज होता है ना, और बहुत तेजी से राइज होता है, दैट इज एक्सपोनेंशियल. पावर एक्सपोनेंशियल राइज होती है. जैसे 2 का पावर कितना होता है, 4. देन 2 का पावर 3 कितना हो गया, 8. फिर 2 का पावर 4 कितना हो गया, 16. ऐसे करके नंबर बढ़ता जाएगा. देन 32, देन 64, 128. सो सी, ये इनमें डिफरेंस बढ़ रहा है ना, तो दैट इज़ वाई इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल राइज हो रहा है यहाँ पे. देन यहाँ पे केसेस दिए हैं. अभी भी इंडिया के पास अभी भी गेम है हमारे हाथों में. हमें क्या करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग करना चाहिए. जितने भी लोग इस कोविड 19 के इन्फेक्टेड हैं या पोटेंशियल हैं, उनको सोशल लॉकडाउन करना ज़रूरी है, सोशल आइसोलेशन करना ज़रूरी है. और ये वॉलंटियर करना चाहिए, एट विल आना चाहिए. गवर्नमेंट के पास इतने सोर्सेज नहीं है कि वो हर किसी को ट्रेस कर सके, हर किसी को टेस्ट कर सके. सो दिस इज़ नाउ अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. सोशल आइसोलेशन, स्क्रीनिंग, टेस्टिंग, ये एसेंशियल्स है. स्टिल अभी भी हम कंटेन कर सकते हैं इस स्प्रेड को. देन सेकेंड है, 3 क्वाजी सब स्पीशीज ऑफ वायरस इन सर्कुलेशन सेज ICMR. ये भी अगेन फाइंडिंग्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, दीज आर नॉट फाइनल थिंग. ये जो वायरस होते हैं ना, इसके स्ट्रेन्स होते हैं. तो एक स्ट्रेन जैसे चाइना वाला स्ट्रेन था, फिर एक यूरोप में, तो अभी इंडिया में भी ऐसा सोच रहे थे कि एक उसका दूसरा स्ट्रेन इंडिया में आया है. तो येट टू क्लासीफाई वेरियंट एज इंडियन स्ट्रेन, ऐसा अभी कुछ फाइनल ऑफिशियल नहीं है. सो दैट इज़ वाई ऐसी अक्सर जो न्यूज़ होती है ना, इनका शेल्फ लाइफ नहीं होता. आज एक ऑब्जर्वेशन है, कल ऑब्जर्वेशन चेंज हो जाएगा. यू आर नॉट गोइंग टू से दिस इन एनी राइट से स्पीक, कहीं पर भी फॉर्मल में यू आर नॉट गोइंग to say this, because this is not final news. Yet to classify virus brought from outside, travel history, immediate contact. Now अब ज़रूरत क्या है, ऐसा कुछ है नहीं कि इंडिया में कोई नया वायरस स्ट्रेन है, ऐसा कुछ क्लासिफाई नहीं हुआ है. बिग कंट्री है इंडिया, नीड मोर केस टू सी द अपस्विंग ऑफ द केसेस. अपस्विंग नंबर ऑफ केसेस जितने ज़्यादा आएंगे, उतना ही बेटर हमारा एनालिसिस होगा. जैसे डेटा एनालिसिस, डेटा जितना होता है AI एनालिसिस उतना ही बेटर हो जाता है. फिजिकल डिस्टेंसिंग इज रिक्वायर्ड. ये अभी इनकॉन्क्लूसिव है, कॉन्क्लूसिव फिगर्स नहीं है ये. ग्रैपलिंग टू आइडेंटिफाई द इन्फेक्टेड पेशेंट्स, अभी सरकार काफ़ी स्ट्रगल कर रही है इनको आइडेंटिफाई करने के लिए. ऑल राइट, नाउ दिस इज़ द थर्ड वन. थर्ड वन इज अबाउट दिस. ये है एम्बेसडर HE सुन वाइडोंग, इंडिया में है ये, चाइनीज़ एम्बेसडर है. 70 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन चाइना एंड इंडिया 1950-2020. सी, अभी रिसेंटली आई सॉ सम वीडियोस, इवन न्यूज़ में भी चल रहा है कि दिस इज़ चाइनाज समथिंग, चाइना का इन्वॉल्वमेंट है. क्वेश्चंस उठे हैं, बट अगेन देर इज़ नथिंग कॉन्क्लूसिव. फॉर्मली हमने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ नहीं कहा है. तो अगर हम ऐसा ओपिनियन बना रहे हैं, एयर बना रहे हैं, अननेसेसरी हम पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, क्विक जंप ले रहे हैं, क्विक है कॉन्क्लूजन में, देन अगेन ये हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस और ब्रॉडर प्रॉस्पेक्ट में ये बिल्कुल हेल्प नहीं करता है कंट्री को, सच टाइप ऑफ थिंग्स, लेट मी टेल यू. सो अगेन यहाँ पे ये आया है 70 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन चाइना एंड इंडिया. चाइना इज अगेन 1.4 बिलियन पीपल, इंडिया इज अगेन 1.3 बिलियन पीपल. सो वी नीड टू बी वेरी मेजर्ड ओपिनियंस एंड ऑल. सो 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस है, 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस. और जब तक ऑफिशियल चैनल से कुछ नहीं आ रहा है ना, तो इट इज़ यूजुअली इट्स अ वाइज थिंग टू नॉट कमेंट ऑन दैट थिंग. सो 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस है, ये हमारे पंचशील के सिद्धांत है. एक्चुअली इन्होंने यहाँ पे क्या किया, शुरू से इंडिया का और चाइना के रिलेशन को कुछ अच्छे हाईलाइट्स यहाँ पे आइडेंटिफाई किए हैं कि कैसे 1950 में हमने सबसे पहले चाइना को, नॉन कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी इंडिया की जिसने चाइना को आइडेंटिफाई किया था एज अ कंट्री. सी, चाइना में भी इससे पहले 1949 से पहले क्या हो रहा था, सिविल वॉर चल रहा था. एक काई जो थे, हांगकांग जो चले गए बाद में, और दूसरे थे वहाँ पे पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना. तो इन दोनों में वॉर हुआ, ये वॉर हुए और वहाँ पे कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन गई. इंडिया ने उसको रिकोगनाइज किया था दिस. देन इसके बाद यहाँ पे प्रीमियर चाओ एंड लाई इंडिया विजिट किए थे यहाँ पे. सो अगेन हमने म्यूचुअल पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के यहाँ पे बात किया था. इसके क्या 5 सिद्धांत होते हैं. पहला, म्यूचुअल रेस्पेक्ट होगा फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी. म्यूचुअल नॉन अग्रेशन,
म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर, एक दूसरे के इंटरनल अफेयर में म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस होगा, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन होगा, म्यूचुअल रेस्पेक्ट होगा टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी का, इक्वेलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। ये हमने कुछ प्रिंसिपल्स आइडेंटिफाई किए थे। देन बट अगेन 1962 में हमारा रिलेशंस थोड़े सॉवर हो गए। देन 2013 आते आते होम टाउन डिप्लोमेसी स्टार्ट हुआ, इनफॉर्मल डिप्लोमेसी आया, वुहान में गए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, देन अभी मामल्लापुरम में शी जिनपिंग इंडिया आए थे। 1950 से इंडिया ने फर्स्ट नॉन सोशलिस्ट कंट्री थी टू एस्टैब्लिश रिलेशन विद दिस पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। 1954 में जाओ एन लाई इंडिया विजिट किए थे। 1955 में बैंडुंग स्पिरिट एशियन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस में भी काफ़ी हाई पॉइंट्स थे रिलेशन के। 1962 में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था टेरिटोरियल। देन 1976 में रीस्टोरेशन ऑफ नॉर्मलसी की प्रोसेस स्टार्ट हुई। 1988 में लुक फॉरवर्ड पॉलिसी आई। अगेन जो इंडिया और चाइना में जो टेंशन आता है वो क्यों आता है, पहला तो आता है बाउंड्री डिस्प्यूट्स। बाउंड्री क्लियरली डीमार्केटेड नहीं है, बी इट इन जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख एरिया और बी इट इन अरुणाचल प्रदेश, इससे अक्सर डिस्प्यूट्स होते हैं। देन सेकंड ट्रेड डेफिसिट होता है, इंडिया के फेवर में नहीं है, हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं, ये या जो मोबाइल्स हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं मोस्ट ऑफ देम आर यू आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम दिस चाइना ओनली, ट्रेड डेफिसिट इंडिया के फेवर में नहीं है, स्क्यूड है। देन चाइना की जो पॉलिसी होती है अग्रेशन एंड ओवर फ्रेंडली विद इंडियाज नेबर और बेल्ट एंड रोड पॉलिसी है लाइक सी पैक है, वो इंडिया के एरिया से निकल रहा है, तो इन सब रीजंस के कारण इंडिया और चाइना के टेंशंस बढ़ जाते हैं, सोवर होते हैं, ऑब्जेक्शंस आते हैं इनमें। 2008 में शेयर्ड विजन फॉर द 21st सेंचुरी आया, मनमोहन सिंह साहब थे तब। देन ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्होंने हाईलाइट्स यहाँ पे किया है, फैक्ट्स एंड फिगर्स, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक रिलेशन, तो ये पिलर्स हैं। आपको कुछ भी चीज़ आइडेंटिफाई करना है ना कि मेक अ कमेंट ऑन दिस इंडिया एंड से जापान रिलेशन, तो दीज आर द पिलर्स जिस पे आंसर बेस्ड होना चाहिए योर आंसर, बी इट वर्बल और ओरल, वर्बल और रिटन, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक रिलेशन, प्रैक्टिकल कोऑपरेशन, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं तो राइट अबाउट दैट, हैंड इन हैंड एक्सरसाइज एंटी टेररिज्म की होती है, देन पीपल टू पीपल एक्सचेंज होता है। सी एक फेमस डिप्लोमैट ने एक कोट काफ़ी फेमस है, नो परमानेंट फ्रेंड्स नो परमानेंट एनिमीज, इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं होता है, कोई परमानेंट एनिमी भी नहीं होता है, होता है तो केवल परमानेंट इंटरेस्ट लाइक यूएसए एंड ऑल। यू वुड सी कि इंटरनेशनल रिलेशंस में दे फर्स्ट ट्राई टू हैव देयर ओन इंटरेस्ट फर्स्ट। नाउ वर्ल्ड व्यू जो होता है ना ये डिफरेंट होता है, व्यू पॉइंट्स हैं दोनों के डिफरेंट हैं, बट अगर हम देखें ना तो वर्ल्ड व्यू में फॉर एग्जांपल यू रीड इंडियन न्यूज़पेपर आप फॉलो करते हो, इंडियन न्यूज़ चैनल आप देखते हो, कभी आप एक बाहर के भी फॉरेन के न्यूज़पेपर देखना, यूके का आप गार्डियन एंड ऑल ये सारे न्यूज़पेपर देखना, फॉरेन मीडिया को आप फॉलो करना, फॉर एग्जांपल फॉरेन का कोई डिग्निटरी इंडिया में आ रहा है ना, हम उसका इंडियन वर्जन मीडिया देखते हैं, एक बार आप उसकी होम कंट्री के न्यूज़पेपर को देखना कि वो उस न्यूज़ को कैसे कवर कर रहे हैं, इससे क्या बेनिफिट होगा, आपको पर्सपेक्टिव पता लगता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पर्सपेक्टिव मतलब अक्सर ऐसा हमें लगता है कि हर किसी में होता है कि वो कंटेन रहते हैं, थोड़ा सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, उनको लगता है वी आर डूइंग गुड, बट नो, इट इज़ बेटर टू सी द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर साइड एज वेल। तो यू वुड सी कि जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनके सोचने का तरीका क्या है, वो उस चीज़ को कैसे देखते हैं, जैसे ट्रंप का विजिट आया था इंडिया में, इंडिया ने उसे अलग तरीके से कवर किया, और आप यूएस का मीडिया देखते, इवन नॉन बायस जो डिफरेंट मीडियाज़ हैं उसको भी आप देखते, तो उन्होंने उसको ऑल टुगेदर डिफरेंटली कंपेयर किया था। सिमिलरली चाइनीज़ मीडिया रहती है वो क्या स्टैंड लेती है, यू वुड अंडरस्टैंड कि उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है और वो इस न्यूज़ को कैसे कंसिडर करते हैं। सो वर्ल्ड व्यू जो होता है डिफरेंट होता है, व्यू पॉइंट्स डिफरेंट होते हैं। अक्सर जो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम आता है वो आता है फियर के कारण या फिर इग्नोरेंस, हम उनके कल्चर या इग्नोरेंस को अनअवेयर होते हैं, और मोस्ट कॉमन रीजंस यही होते हैं हेट एंड डिसएग्रीमेंट के, और वी आर बीइंग प्लेड। हमेशा जो इन्फॉर्मेशन होती है, अगर लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है ना तो उसमें काफ़ी सारे मिडिल मैन आ जाते हैं, ओपिनियन ट्विस्ट होते हैं, इन्फ्लुएंस होता है, ओपिनियन बिल्ड होता है। सो ऑलवेज ट्राई टू रीड बोथ पर्सपेक्टिव, हर पर्सपेक्टिव को देखना चाहिए, एंड डू नॉट बी क्विक इन कंक्लूजन, बहुत जल्दी नहीं लेना चाहिए। सो दिस इज 70 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन चाइना एंड इंडिया 1950 to 2020। इफ यू गेट टाइम हैव अ लुक, जस्ट हैव अ क्विक ग्लांस, काफ़ी अच्छे से इन्होंने पूरा समरी यहाँ पे दिया है। ऑल दो ये जो लिखा है इन्होंने लिखा है तो ये चाइना के फेवर में है, बट अगेन हैव अ लुक। देन दिस इज पेज नंबर 4, रीजन
अंडमान एंड निकोबार ट्राइब्स अंडर हैवी सिक्योरिटी। एनसीईआरटी में हमने पढ़ा था ना अंडमान एंड निकोबार कैसे फॉर्म हुआ, देन हमने से देखा यहाँ पे क्या ट्राइब्स हैं एंड ऑल। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है, यहाँ जो ट्राइब्स रह रही हैं इनमें इम्यूनिटी नहीं रहती है, मेडिकल फैसिलिटी आप इनको प्रोवाइड नहीं करोगे। इसमें बहुत सारी ऐसी ट्राइब है जो अभी भी पुराने टाइप से ही रह रही है, वो कॉन्टैक्ट उनका आउटसाइडर्स के साथ हम अवॉइड करते हैं। ये 6 ए वो ओरिजिनल ट्राइब हैं अंडमान एंड निकोबार में। नोट डाउन दीज नेम, ग्रेट अंडमानीज, ऑन्जे, जरावा, सेंटनलीज, शॉम्पेन एंड निकोबारीज, ये 6 यहाँ की ट्राइब्स हैं। देन दिस इज़ पेज नंबर 4, दिस इज़ पेज नंबर 5। अगेन न्यूज इज़ लाइक सदर्न स्टेट्स आइडेंटिफाई केरला, देन लिकर, देन सैलरी, देन प्री मानसून। ऑल राइट, यहाँ पे क्या है, प्री मानसून क्रॉप कल्टिवेशन येट टू बिगिन। क्रॉप्स जो होती है उसके 3 सीज़न होते हैं, ये सीज़न फिक्स्ड हैं, खरीफ, राबी और जायद। खरीफ कब होता है, खरीफ आता है जून से सितंबर में, जैसे ही बारिश आ रही है, र खरीफ रेन, सो खरीफ आएगी बारिश के टाइम पे, जून से सितंबर। जब ये पूरा हो जाएगा तो सीज़न आता है राबी का सीज़न, ये अक्टूबर से मार्च के बीच में रहता है। ये पूरा हो जाएगा तो इन दोनों के बीच में ये आएगा जायद, अप्रैल से जून, और फिर ये खरीफ फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे करके साइकिल चलती है। अब नोट करने वाली ये बात है कि सीज़न इज़ कॉन्स्टेंट, नॉट द क्रॉप। क्रॉप कॉन्स्टेंट नहीं है, अक्सर लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि से मेज है तो मेज इज़ खरीफ क्रॉप, बट मेज इज़ राबी क्रॉप। वाई? बिकॉज ये नॉर्दर्न स्टेट्स हैं और ये सदर्न स्टेट्स हैं। सो ये जो क्रॉप्स होती है ना, ये कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जो खरीफ भी हैं राबी भी हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस एरिया में उनको सो किया है अपन ने। तो दिस इज़ एनसीईआरटी बुक, अगेन एनसीईआरटी इज़ वेरी गुड, ये एनसीईआरटी की बुक है, इसमें ये इन्होंने ऐसे यहाँ मेंशन किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सोविंग हैज़ नॉट कमेंस्ड, शॉर्टेज ऑफ लेबरर है। आप मैकेनिकल थ्रेशर से और इनसे इनको कट तो कर लोगे, बट फिर भी आपको लेबर की ज़रूरत पड़ेगी टू पैक, टू टेक अवे, टू टेक इट टू मंडीज एंड ऑल। तो ये तो हो गए सारे माइग्रेंट लेबरर्स, तो इनका शॉर्टेज हो रहा है यहाँ पे। मेज कर्नाटका में, ये राबी क्रॉप है यहाँ पे। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ मेंशन हियर। ये काफ़ी अच्छा एडिटोरियल है, स्टेप अप, स्टेप अप सिटीजन्स। इसमें हमने ऐसा देखा है कि COVID-19 में अगर केस हिस्ट्री है तो पीपल आर ट्राइंग टू हाइड दैट, COVID-19 के कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं तो वो वॉलंटरी सामने आके उसको बता नहीं रहे। सी, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू, योर फैमिली और कंट्री, सोसाइटी, किसी का कोई हेल्प नहीं होने वाला है। और ये COVID-19 ऐसा डिसीज़ है ना, आप इसको छुपा भी नहीं सकते हो, यू वुड नीड सम मेडिकेशन, सो इट इज़ बेटर टू कम आउट। सिटीजन्स मस्ट नॉट हाइड देयर ट्रैवल और कॉन्टैक्ट हिस्ट्री एज अथॉरिटीज़ डील विद द पेंडेमिक। यहाँ बहुत अच्छा लाइन लिखा है यहाँ पे, सी, With any big crisis come great responsibility. In the time of a pandemic, pandemic ka time hai, while there is extensive proven value in adopting recommended personal hygiene, aap personal hygiene rakhiye, standards, maintaining physical distance rakhiye, demanding the state and center provide adequate facility for testing and treatment of the ill. Jo bimar hai unka टेस्टिंग हो और उनका ट्रीटमेंट हो। इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल टू लीव दैट वर्ड ऑन द टॉप ऑफ द पाइल, दैट इज़ रेस्पॉन्सिबिलिटी। सो वी नीड टू बी मोर रेस्पॉन्सिबल। कम्युनिटी रिकॉग्निशन हम कर सकते हैं, एपिडेमिक डिसीज एक्ट आया है, राइट्स है, रिस्ट्रिक्शन है। सी, अगेन आई वॉज बींग आस्क्ड कि ये फंडामेंटल राइट्स होते हैं, रिलीजियस फंडामेंटल राइट्स हैं, पर्सनल राइट टू फ्रीडम है ना, राइट टू लाइफ है, there are so many fundamental rights, but again we need to understand fundamental rights are not absolute. आपका fundamental right है, well done, but वो fundamental right अगर बाकी लोगों की life को threaten कर रहा है then वो qualified है, वो absolute नहीं है। so FR are not absolute, they are qualified. epidemic disease act में rights restriction हो सकता है, respond, follow protocols, individual way पे भी हम volunteer कर सकते हैं information, and if you have any contact or any history, travel history है, probable symptoms देख रहे हैं, then it is advisable you come out. Then this is weaker later. ये भी news item editorial is again excellent है। यहाँ पे जो बात है, see यहाँ पे again before article में यही लिखा था, government narrow down हो रही है cluster cases में, impossible to track down every single individual. Infect होते हैं तो 2 week का time लग जाता है, incubation period है, इसमें आप और लोगों को भी spread कर देते हो, then infect कर देते हो. Participants do not cooperate, they thwart states को defy कर रहे हैं. Unfortunately this may leave the job half done or undone, leading to disastrous consequences. एनिमी हमारा आज की डेट में एक ही है, वो है COVID-19.
ओके देन सी आई वॉज रीडिंग दिस फॉलो इफ यू इफ यू आर इन ट्विटर फॉलो दिस ये लिसन शाहिद साहब हैं ये जम्मू एंड कश्मीर में ही इज IAS ओवर देयर इन्होंने भी काफ़ी अच्छे ये इंटरेस्टिंग ट्वीट्स देते रहते हैं कि कैसे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इतना एफर्ट दे रहा है बट पीपल को भी कोऑपरेट करने की ज़रूरत है देन दिस इज वीकर लेटर है पोस्टपोनमेंट इज बेटर देन कैंसलेशन बट ओलंपिक्स इज नॉट ऑन एनीवंस माइंड नाउ अभी हम स्पोर्ट्स के बारे में कुछ सोच नहीं रहे अभी सो द पोस्टपोनमेंट इज बेटर देन कैंसलेशन बाद में होना नहीं होने से बेटर होता है बट ओलंपिक्स इज नॉट ऑन एनीवंस माइंड नाउ इस जो पूरा आर्टिकल है इसका लैंग्वेज बहुत अच्छा है इफ़ यू आर विलिंग गेट टाइम डू रीड दिस आर्टिकल बहुत एक्सीलेंट लैंग्वेज है और पॉइंट्स भी बहुत रिफाइंड है यहाँ पे स्पोर्ट्स जो होता है ये ग्लोरियस इंटेलिजेंस है ब्लेंड्स एडर्नलिन रश होता है एक्जुलेंट जॉय एंड माइंड नंबिंग ग्रीफ ये दोनों चीज़ आती है एडर्नलिन का रश होता है स्पोर्ट्स पे स्पोर्ट्स हमें एज अ बेटर ह्यूमन बींग भी बनाता है हमारे परफॉर्मेंसेस को एनहेंस करता है ये एथलीट के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है और फैंस के लिए भी बट स्पोर्ट्स है ये कॉन्टेक्स्ट और हिस्ट्री में खेला जाता है ये डू नॉट एग्जिस्ट इन वैक्यूम इसको एक बेडरॉक चाहिए और बेडरॉक के लिए एक फंक्शनल सोसाइटी चाहिए और आज की डेट में ये फंक्शनल सोसाइटी है नहीं हमारे पास बेसिक सर्वाइवल प्रेसिडेंस है अभी जो आज सबसे बड़ी प्रायोरिटी है वो है बेसिक सर्वाइवल दिस 21 डेज में हमको 120 बिलियन समथिंग डॉलर का नुकसान होने वाला है बट हम ये नुकसान झेल लेंगे बिकॉज जान है तो जहान है सो बेसिक सर्वाइवल प्रेसिडेंस स्पोर्ट्स इवेंट्स कैंसिल हैं पोस्टपोन है ओलंपिक्स वर्ल्ड्स का ग्रेटेस्ट कॉन्ग्रीगेशन होता है इकट्ठे होते हैं यहाँ पे ओलंपिक्स में 5 रिंग होती है ना दीज 5 रिंग्स 1896 में मॉडर्न ओलंपिक्स स्टार्ट हुए थे एथेंस में हुए थे 1916 और 1940 और 1944 इन 3 बार नहीं हुए क्यों क्योंकि वर्ल्ड वॉर ने कैंसिल कर दिया कोल्ड वॉर के टाइम पे भी अगर म्यूनिच का मैसाकर हुआ था तब भी इसराइल सो सीन दो दैट प्रिज्म ऑफ अ ब्लडेड पास्ट द लेटेस्ट पोस्टपोनमेंट सीम्स मेयर अ क्विबल अब इसमें जो डिले हुआ है इससे क्या चैलेंजेस आ रहे हैं एक तो फिर से लॉजिस्टिक्स पूरे देखो इकोनॉमी टैंक हो रही है इन्फ्लेशन एडजस्ट होगा आज जो 100 रुपये में हो रहा है अगले साल वो 110 रुपये में होगा तो प्राइस बढ़ गई ना और प्लस इससे इकोनॉमी भी टैंक है नेक्स्ट ईयर वी डोंट नो हमारी इकोनॉमी किस कंडीशन में होने वाली है सो दिस 12 मंथ वी होप वायरस विल वेन कम हो जाएगा उसका प्रभाव और सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मलसी मतलब वापस नॉर्मलसी आ जाएगी स्पोर्ट्स वुड बी अ वेलकम बाम मतलब एज अ रिलीफ की तरफ काम करेगा बट फॉर नाउ यूनिवर्सल हेल्थ इज़ द ओवर राइडिंग प्रायोरिटी आज की डेट में हमारी एक ही प्रायोरिटी है और होनी भी चाहिए ह्यूमन लाइफ को आप सेव करिए देन दिस इज एन आई ईच ऑन कंटेनमेंट एंड वेलफेयर ये आर्टिकल लिखा है तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर ने ऑगमेंट करिए इंफ्रास्ट्रक्चर एक जनरल स्टैंडर्ड गाइडलाइन है जो आपको भी इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम्स एंड फॉर योर आंसर राइटिंग किस डायरेक्शन में आपका अप्रोच होना चाहिए ऑगमेंट करिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए ऑगमेंटेशन करिए एड्रेस करिए फंडामेंटल्स लाइक क्या एसेंशियल्स होंगे किस ग्रे एरियाज होंगे कहाँ हमें उसमें ज़्यादा रिसोर्सेज एंड सप्लाईज देनी पड़ेगी एंड्योरिंग फिजिकल डिस्टेंस एंड इमर्जिंग एनर्जाइजिंग द इकोनॉमी दीज आर सम एरियाज यहाँ एक बहुत अच्छा लाइन लिखा है इन्होंने At this juncture, our priority is to fully focus on the eradication of the pandemic. After achieving this primary goal, I hope the country as a whole will join hands and provide the necessary thrust to the economy. Economy ko revive karna padega hume. Then this is beyond social distancing to fight COVID-19. Again, isme various इसके एस्पेक्ट्स दिए हैं इन्होंने COVID-19 से सोशल डिस्टेंसिंग है ऑगमेंटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यू कैन बाय टाइम इससे हमें टाइम मिल रहा है देन R&D मेडिसिंस में कंटिन्यू करना है एंड व्हाट अबाउट इकोनॉमी सी अब ये अलग अलग थ्योरीज आती है यहाँ पे जैसे एक कोरिया का मॉडल है टेस्टिंग ये कुछ उनके केसेस में सक्सेस हुआ है बट इंडिया में इसको रेप्लिकेट करना इट्स नॉट पॉसिबल सो कोरिया एग्जाम्पल वी कांट कॉपी एज इट इज़ वी नीड टू इनोवेट मिलिट्री स्टाइल लॉकडाउन इज अगेन नॉट पॉसिबल सो इंडिया में यूनिक चैलेंजेस हैं वी नीड टू बी इनोवेटिव विद द सॉल्यूशंस देन अगेन पैंडमिक एंड अनइक्वल इंडिया एक इंडिया ये है दूसरा इंडिया ये है यहाँ पे अगेन ऑब्जर्वेशंस हैं द कॉस्ट ऑफ अ क्योर ऑफ COVID-19 कुछ ड्रग्स के ट्रायल्स हो रहे हैं बट अगेन ये ड्रग्स अभी फाइनल नहीं है दिस इज टू इंडिया दिस इज फर्स्ट इंडिया दिस इज अनदर इंडिया वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस ये दो अभी ऐसा इंडिया चल रहा है और हमें इसके अकॉर्डिंगली वी नीड टू
थिंक देन वेलकम देन स्टिग्मेटाइज्ड नाउ. इंडिया में भी फॉरेनर्स को जीनोफोबिया हो रहा है. हम जीनोफोबिया मीन्स वी आर हैविंग फियर ऑफ फॉरेनर्स. देन सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स राइट टू डिस्कस COVID-19. अगेन दिस इज़ वेरी गुड. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो गवर्नमेंट है इसे ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए. गवर्नमेंट को जो भी डेटा है वो फेथफुली रिस्पॉन्सिबली पीपल को बताना चाहिए बिकॉज पीपल हैव द राइट टू नो. इट आस्क द मीडिया सिमिलरली मीडिया को पब्लिश करना चाहिए ऑफिशियल वर्जन टू अवॉइड पैनिक. ये पैनिक क्रिएट करते हैं ना उसी से ये ऐसे केसेस होते हैं ये माइग्रेंट टाइप के केसेस. अगर ये पैनिक नहीं क्रिएट किया जाता अननेसेसरी इतना हॉरर नहीं दिखाया जाता तो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इसको बहुत ईजिली सॉल्व कर लेती. दैट इज़ वाई अवॉइड पैनिक अवॉइड ये जो सेंसेशनलिज्म का ओवरडोज होता है. हम हर चीज़ जल्दी करने का और सेंसेशनलिस्ट बनाने का दिस नीड टू बी स्टॉप्ड. देन ये होता है गवर्नमेंट टोल्ड टू इशू अ डेली बुलेटिन रेस्पॉन्सिबली आप उसे दीजिए. कम्युनिकेशन जो होता है ये प्रॉपर होना चाहिए. अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होगा गवर्नमेंट और सिटीजन्स का तो उसके बीच में बहुत सारे लोग आ जाएंगे. वो हर एक का वर्जन होगा और फिर वो वर्जन जो बाहर आएगा वो कम्प्लीटली डिस्टॉर्ट होगा. फिलर्स आ जाते हैं डिस्टॉर्ट करते हैं ये न्यूज़ को और मैसेजेस को. सो वी एक्सपेक्ट द मीडिया प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया रिमेंबर सोशल मीडिया एज वेल टू मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड एंश्योर दैट अनवेरीफाइड न्यूज़ केपेबल ऑफ कॉजिंग पैनिक इज नॉट डिसेमिनेटेड. दिस सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है. वाटर क्या होता है? वाटर देखा है हम कुछ लोगों को बोलते हैं विम्जिकल होते हैं. वो विम्जिकल मीन्स बहुत जल्दी टेम्पर हाई भी होगा बहुत जल्दी टेम्पर कम भी होगा. विम्जिकल बॉयल एंड कूल क्विकली. सो वी नीड टू बी मोर रेस्पॉन्सिबल और मैच्योर वे में इसका हमें रिएक्ट करने की ज़रूरत है यहाँ पे. देन दिस इज पेटिशन इन सुप्रीम कोर्ट सीक्स फ्री टेस्टिंग. देन दिस इज न्यूज़ पेज नंबर 9. यहाँ पे ये मेडिसिन है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन कॉम्बिनेशन अलाउड अगेन फॉर दिस क्लोज मॉनिटरिंग एंड सीवियर डिसीज में ही ये कॉम्बिनेशन ड्रग अभी अलाउ किया है. दिस इज अजीथ्रोमाइसिन एंड दिस मेडिसिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन ड्रग होगा. दो ड्रग का कॉम्बिनेशन इज कॉम्बिनेशन ड्रग. क्लिनिकल मैनेजमेंट होगा. ये अगेन प्रेग्नेंट वुमेन लैक्टेटिंग मदर चिल्ड्रन इनको ये एडवाइजेबल नहीं है. और अगर आपको कोई इलनेस है क्रिटिकल इलनेस हार्ट पेशेंट्स डायबिटिक्स एंड ऑल सो दिस शुड बी अगेन क्लिनिकल मैनेजमेंट मतलब एक्सपर्ट्स की एडवाइस से ही लेनी है इसे. देन दिस इज प्रिवेंटिंग स्टिग्मा रिक्वायर्स अ फुल थ्रॉटेड कैंपेन. ये जो फियर का साइकोलॉजी होता है ये गेम प्ले होता है इससे बाहर निकलने की ज़रूरत होती है. अक्सर ये फियर को दे प्ले दे से इफ़ यू डोंट डू दिस ये हो जाएगा ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा. एंड अगेन ये जो COVID-19 है इस पर इतने सारे रूमर्स हो रहे हैं कि अगेन स्टिग्मा हर है. इस स्टिग्मा को बीट करना है. हेल्थ एक्सपर्ट से इट विल अफेक्ट द रिमूविंग द फियर क्रिएटेड बाय द बैराज ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन COVID-19. सो गवर्नमेंट को भी ट्रांसपेरेंटली सारी इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट करना है रेस्पॉन्सिबल वे में. देन दिस इज एयर इंडिया देन दिस इज महाराष्ट्र एंड दिस इज स्पेन अगेन नॉट अ गुड न्यूज़. US अगेन दीज आर स्कैरी न्यूज़. देन ब्रिक्स फॉल अपार्ट फॉर कंस्ट्रक्शन सेक्टर. अगेन कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हमारी इकोनॉमी हॉल्ट नहीं हुई है हमारी इकोनॉमी स्टैंड स्टिल नहीं हुई है हमारी इकोनॉमी एकदम स्टॉप हो गई है. इट्स नॉट स्लो डाउन इट्स कम्प्लीटली स्टॉप ग्राइंडिंग हॉल्ट. और उसका ये पे हो रहा है दिस कंस्ट्रक्शन वर्कर में भी. लॉकडाउन है इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है वर्कर्स नहीं है सब घर चले गए और ये ग्राइंडिंग हॉल्ट में हो गई. तो जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है दिस कंस्ट्रक्शन सेक्टर ये काफ़ी सफ़र कर रहा है. देन US क्रूड ऑफ लॉज. अगेन USA और दिस रशिया एंड सऊदी इनका अलग ही गेम चल रहा है. डबल वैमी है ऑयल मार्केट में. दे ऑल वॉन्ट टू कैप्चर बिगर मार्केट इस क्राइसिस में. क्या कर रहे हैं ये डिमांड एंड सप्लाई दो चीज़ होती है. तो डिमांड ऑब्वियसली ऑयल की नहीं आ रही है बिकॉज ऑटोमोबाइल्स नहीं है इंडस्ट्री बंद हो गई है सब बंद है. बट ये सप्लाई कम नहीं करना चाहते आउटपुट कम नहीं करना चाहते. वाई बिकॉज दे आर थिंकिंग टू कैप्चर बिगर मार्केट सऊदी रशिया और ये US भी है. सो ऑफ लॉस मार्केट कैप्चर इज इन देयर माइंड. देन दिस इज पेज नंबर 13. दिस इज़ पेज नंबर 13 एंड दिस इज़ पेज नंबर 14. यहाँ पे काफ़ी अच्छा दिया है अपॉर्चुनिटीज़ में. इज़ इट टाइम फॉर अ न्यू नॉर्मल. अभी ज़्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं. वर्क फ्रॉम होम करने में अपने अलग चैलेंजेस होते हैं. हमें घर पे उतना ही ज़्यादा डिसिप्लिन से आना उतना ही फॉर्मल वे में प्रोडक्टिव एफिशिएंट होकर काम करना चैलेंज होता है. ये डिजिटलाइजेशन माइंडसेट की ज़रूरत है. डायनामिक वर्कप्लेसेस बिजनेस एजेंडाज और एक एम्पैथी फैक्टर भी आ गया है बिकॉज सबको लग रहा है ये COVID-19 थ्रेट है. तो अटेंशन ऑल विल ऑल ऑब्वियसली अनडिवाइडेड अटेंशन वर्क पे नहीं जा पा रहा है. देन डेटा सिक्योरिटी इज़ अ इशू. लाइक जूम का आज मैं पढ़ रहा था जूम में डेटा एनक्रिप्टेड नहीं होता है मीन्स इट्स नॉट सेफ देयर. देन सस्टेनेबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा एंड प्रोडक्टिविटी व्हाट इज़
what would be the productivity. The good thing is you maintain a discipline. जो normal office going है, office hours follow करते हैं, work in those office hours same, wear formals, wear shoes, wear your everything, sit on chair and do your work like you do, just you are sitting in your home in front of computer. So this would help in improving efficiency and productivity. So this is opportunity. तो आज हमने पढ़ा ये opportunity work from home. US में ये crude ऑयल का प्राइस क्यों कम हो रहा है, ये डबल वैमी है, मतलब एक मुसीबत तो थी ही, दूसरी मुसीबत भी आ गई है, डबल वैमी. देन ब्रिक्स फॉल कंस्ट्रक्शन सेक्टर, स्टिग्मा रिक्वायर्स अ फुल थ्रॉटेड कैंपेन. ये मेडिसिन है, कॉम्बिनेशन ड्रग अलाउड है, अगेन क्लिनिकल मैनेजमेंट. देन ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे से कहा है कि ये जो पैनिक टाइप की सिचुएशंस है ना, इसको अवॉइड करिए, इससे एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा चैलेंज आ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन को. सोशल डिस्टेंसिंग टू फाइट COVID-19 एंड आई ईच ऑन कंटेनमेंट एंड वेलफेयर. एंड देन ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, इसका इंग्लिश लैंग्वेज इज़ वेरी रिफाइंड, वीकर लेटर. देन दिस इज़ अगेन अ गुड आर्टिकल, स्टेप अप, सिटीजन्स नीड टू बी मोर रेस्पॉन्सिबल. देन ये सीजन है, ये सीजन होते हैं और ये क्रॉप होते हैं, क्रॉप चेंज हो जाएगी डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन. सीजन कॉन्स्टेंट होते हैं, खरीफ, राबी और जायद, क्रॉप नहीं, सीजन कॉन्स्टेंट होते हैं. देन दिस इज द एबोरिजिनल ट्राइब्स, अंडमान एंड निकोबार. और यहाँ पर हमने देखा ये अगेन 70 years ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस, ओके, इंटरनेशनल अफेयर्स. देन 3 क्वाजी सब स्पीशीज ऑफ वायरस इन सर्कुलेशन. पता है इंटरेस्टिंग चीज़ है, जितना इंडिया और चाइना ऑफिशियली जितना लड़ाई नहीं होता है, उतना ये नेटिजन सोशल मीडिया में और पब्लिक ओपिनियन में लड़ाई होता है. सिमिलरली इंडिया एंड पाकिस्तान में भी ऑफिशियली काफ़ी अच्छे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, ट्रेड्स होता है, एवरीथिंग होता है. ये जो भी होता है ये होता है सोशल मीडिया, नेटिजन एंड बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन. यहाँ पे कुछ पॉइंट्स इन्होंने अच्छे लिखे थे, 70 years ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन, हैव अ लुक, काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलेंगे यहाँ पे. देन दिस इज 3 क्वाजी सब स्पीशीज ऑफ वायरस इन सर्कुलेशन, ICMR, एक्सपोनेंशियल राइज हो रहा है, एंड दिस इज 1st of April 2020. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बी सेफ.